नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। जेएसएससी के मन में क्या चल रहा है उसके ऑफिस में, इस पर बात करेंगे। सीजीएल रिजल्ट को लेकर क्या तैयारी है और क्या कोई स्टे ऑर्डर कहीं से आया या चुनाव आयोग ने कोई जानकारी जेएसएससी को भेज दी है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे हॉट सीट है इस समय में जमशेदपुर पूर्वी का, तो उस पर बात करेंगे कि पूर्णिमा दास साहू क्या चुनाव जीतेंगी। और जो अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो गई है बीजेपी में, आरोप लग रहा है परिवारवाद का, किसका किसका नाम था, इस पर भी बात करेंगे। और ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से जब वो जमशेदपुर आई कैसे रिश्ता तय हुआ, फेसबुक से दोस्ती हुई थी, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ पर किए और किन किन चीजों में रुचि है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। समीकरण क्या कहता है पूर्वी का ये बताएंगे। रघुवर दास की विरासत को क्या पूर्णिमा दास साहू संभाल पाएंगी, कितनी किस जाति और किस समुदाय के वोट है, तमाम चीज को बताएंगे। लेकिन पहले जेएसएससी की बात करेंगे कि जेएसएससी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में यह तय होगा कि आगे वो क्या करने वाली है। लेकिन इसी बीच में ना तो अभी तक चुनाव आयोग की ओर से जेएसएससी कार्यालय को कोई मेल आया है और ना ही कोर्ट की ओर से, यानी कि ये दोनों स्थान से अगर कोई सूचना जेएसएससी को मिल जाएगी तो जेएसएससी उसके बाद तमाम रिजल्ट पर रोक लगा देगी। सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, इसके अलावा टीचर वाले का भी रिजल्ट रुका हुआ है, कुछ नगर निगम वाले का, नगर पालिका वाले का रुका हुआ है, कुछ लेडी सुपरवाइजर का तो पूरा रुका हुआ है। तो तमाम चीजों पर बातचीत होगी और ये अगर चुनाव आयोग का मेल आ जाता है आज अथवा कल कोर्ट का आदेश आ सकता है तो दो चीजों के बाद ही रिजल्ट को रुक पाएगा, ऐसे अपने मन की मालिक जेएसएससी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 26 तारीख को बाहर भारी भीड़, स्टूडेंट तैयार, और इसी बीच में एंसर की शाम को जारी कर दिया। सोच लीजिए 30 तारीख को भारी भीड़, एंसर की का रिवीजन वाला डाल दिया और उसके बाद आंदोलन पर आंदोलन होने लगा तो फाइनल एंसर की डाल दिया। मतलब जेएसएससी भी ये दिखाना चाहती है कि हम भी अपनी ओर से अपने मन के मालिक हैं, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, चुनाव आयोग या माननीय उच्च न्यायालय, ये बड़ा प्रश्न होगा। और ये संभावना दो दिनों के अंदर, आज और कल में आपको पता चल जाएगा। और इसी बीच में स्टूडेंट को लग रहा है कि इतनी बड़ी भूल जो है वो जेएमएम कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि समय में चुनाव का माहौल है, एक छोटी सी गलती सारी की सारी स्थिति को डैमेज कर सकती है। ऐसे भी हर पार्टी इस समय अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तो आज बताएंगे आपको जमशेदपुर पूर्वी का हाल क्या, जमशेदपुर पूर्वी प्रतिष्ठित क्षेत्र है। रघुवर दास यहां से लगातार जीतते आए हैं, पिछली बार सरयू राय ने उन्हें 20-22 हजार वोटों से पराजित कर दिया था। उसके पूर्व चुनाव में रघुवर दास ने 1,25,000 के मार्जिन से चुनाव जीता था। सरयू राय न सिर्फ 1,25,000 के मार्जिन को कट किए बल्कि 25,000 की बढ़त भी बना लिए। तो ये रघुवर दास को लगता था कि वो कभी चुनाव नहीं हारेंगे, वो हार गए। और मुद्दा था यहां पर 86 बस्ती का, जो बस्ती टाटा स्टील के लीज पर बसा हुआ है, क्या उसको रखने के लिए उसको बस्ती में मालिकाना हक दिया जाएगा। इस बार स्थिति पलट है, रघुवर दास जी उड़ीसा के गवर्नर हैं। रघुवर दास जी की ओर से जो हमें जानकारी मिली है, तीन नाम आगे बढ़ाया गया था, उसमें उनका बेटा ललित दास, उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू और इसके अलावा उनका भगना दिनेश कुमार, ये तीन नाम आगे थे। दिनेश कुमार भी बहुत चर्चित है, जिला अध्यक्ष हैं रहे हैं। तो और तीन नाम बीजेपी की ओर से जो गया था उसमें अभय सिंह, जो बाबूलाल मरंडी के सबसे करीब नेताओं में, जब बाबूलाल मरंडी अलग हो गए थे बीजेपी से उस समय एकमात्र नेता थे अभय सिंह जो उनके साथ में थे। और अभय सिंह हाल के दिनों में रामनवमी के दौरान जेल भी गए हैं, तो हिंदू मतदाता को उनकी ओर में है इस वक्त में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर आप कांग्रेस को वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो घर में रहिए, वोट डालने मत जाइए। मतलब उनका इशारा बीजेपी से नाराजगी को लेकर के था। हालांकि पूर्णिमा दास साहू उनसे जाकर के मिली है, आशीर्वाद मिली है। इसी बीच में शिवशंकर सिंह, जो पूर्वी में बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे, राजपूत वोटों पर खासा पकड़ था उनका, इस पूरे पूर्वी में राजपूत के तकरीबन जो है 40,000 वोट है और भूमिहारों के 35,000 वोट, तो ये दोनों मिलाकर के 75,000 का वोट हो जाता है। और इस बार ये दोनों वोट तय करेंगे कि यहां कौन जीतेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी
30,000 वोट है। तो ये समीकरण बड़ा दिलचस्प यहां पर हो गया है छत्तीसगढ़ समुदाय का। छत्तीसगढ़ समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं और यहां पर कुछ क्रिश्चियन समुदाय के भी लोग हैं और मुस्लिम मतदाता भी है। तो ये पिछले बार सरयू राय की ओर सारा चीज शिफ्टिंग हो गया था, इस बार स्थिति पलट है। कोई कद्दावर इस समय में नाम नहीं, लेकिन कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार है जो पूर्णिमा दास साहू को खासा टक्कर दे सकते हैं और एक आनंद बिहारी दुबे अगर वो निर्दलीय लड़ जाते हैं, उन्हें एक बार निर्दलीय में 17,000 से 20,000 वोट आया हुआ है, तो वो भी एक कद्दावर नेता के रूप में आ सकते हैं। तो इस बार का समीकरण एकदम मतलब उलट है यहां पर। अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि पूर्णिमा दास साहू जो है उनकी शादी 2019 में हुई है 8 मार्च को, और वो फिर उसके बाद से जमशेदपुर आई, रघुवर दास के घर की बहू बनी। ललित दास भी काफी चर्चित रहे हाल के दिनों में, उड़ीसा में राजभवन में एक ऑफिसर की पिटाई मामले में उनका नाम सार्वजनिक रूप से आया था। और इस समय में पूर्णिमा दास साहू को ही भरोसा है कि बीजेपी के तमाम जो वोटर उनके पास आएंगे, उनकी पढ़ाई रायपुर से ही हुई है और कॉलेज भी लक्ष्मीदास नारायण जो कॉलेज है वहां से उन्होंने पढ़ाई किया है कॉलेज का, उसके बाद खुद टीचर भी रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूर्णिमा दास साहू जो है वो टीचर प्रोफेशन में भी रही है और इसके पहले वो पत्रकार थी। स्वराज एक्सप्रेस जो News24 के नाम से आज बड़ा चैनल है उसमें वो पत्रकारिता भी कर चुकी है, तो उनको एक अनुभव भी है कहां पर क्या बोलना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को। और बड़ा दिलचस्प है कि फेसबुक से जब ये जानकारी मिली ललित दास को कि फेसबुक में एक पूर्णिमा दास, उस समय में तो शादी हुई नहीं थी, रांची में रायपुर की एक फैमिली की शादी हुई थी और उनके रिश्तेदार में रघुवर दास जी आते थे, तो फेसबुक फ्रेंड के रूप में ये चीजें आई और फिर रिश्ता आया और उसके बाद शादी हो गई। अब संभालना है विरासत, राजनीति को भी समझनी होगी। और जो 86 बस्ती का मुद्दा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज भी जमशेदपुर का, चूंकि बिरसा नगर जो पूरा एरिया है उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो है बारीडी बस्ती है, तेलको की कई बस्ती है, जो टाटा मोटर्स का एरिया है जहां पर इंप्लॉयमेंट बड़ा फैक्टर है, ESS VRS बड़ा फैक्टर है, तो वो इलाका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर अजय कुमार पहले SP रहे हैं और SP के साथ साथ में वो एक बार सांसद भी रहे, तो उनके लिए भी जो 40 से ऊपर वाले मतदाता होंगे वो उनको जानते हैं कि उनका वो जिस समय में SP थे जमशेदपुर में, उस समय में क्राइम बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया। कई लोगों के ऐसा लोग बताते हैं कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में उनका नाम आ गया था। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर एज वाले हैं 40 से ऊपर वाले उनके अंदर में उनका नाम है, लेकिन नए युवा नहीं जानते हैं उतना। और बीजेपी के और अगर शिफ्ट कर जाते हैं तो इस बार में जो बीजेपी से बहुत नाम आ रहा था, गुंजन यादव का आ रहा था, रामबाबू तिवारी का आ रहा था, खुद शिवशंकर सिंह का आ रहा था, अमरप्रीत सिंह काले जो बहुत करीबी हैं अर्जुन मुंडा के, लेकिन उनका और रघुवर दास का मैंने इतना तक है कि एक स्टेज में दोनों रहते हैं तो आपस में हाथ नहीं मिलाते, तो इतनी उनकी बीच में तलखी थी। तो फिलहाल तो मतलब रघुवर दास जी को मनाकर ही सरयू राय जी को पश्चिमी भेजा गया और बीजेपी में नहीं ला करके JDU में उनको शामिल किया गया, तो उसकी अलग कहानी आपको जरूर से समझाएंगे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा। और जीत हार का इस बार इतना बड़ा 2 लाख और 1.5 लाख वोट वाला समीकरण इस बार नहीं रहेगा, चूंकि अगर निर्दलीय लोग खड़ा हो जाते हैं तो पूर्णिमा दास के लिए सबसे बड़ी चीज होगी इस बार कि वो मैनेज कितना अच्छा करती हैं। और जो निर्दलीय बीजेपी के अंदर जो लोग हैं, परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि रघुवर दास जी की बहू है, तो ये कांग्रेस के लोग और जो JMM के लोग हैं वो यही चीज को बताएंगे कि देखो हम लोग को सब कोई बोलता था और अब इस पार्टी में भी यही चीज हो रहा है और अन्य जगह की भी तस्वीरें जो आ रही हैं। तो हम आपको एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गणित को समझने में आसानी होगा कि कितना मुश्किल होगा इस बार रघुवर दास जी की विरासत को बचाना पूर्णिमा दास के लिए, और ये सीट कितना इंपॉर्टेंट है समझिए कि पिछले बार इसी सीट के चलते बीजेपी की सरकार रह गई थी। एक तो आसू से रघुवर दास जी ने गठबंधन नहीं किया था, दूसरा कि सरयू राय को पश्चिमी से टिकट नहीं मिला, अगर वहां से उनको मिल जाता तो वो उधर एक सीट फाइनल होता और एक सीट यहां फाइनल हो जाता जो खुद रघुवर दास जी का रहता। तो समीकरण बड़ा मुश्किल इस बार है, हर एक एक सीट कांटे की टक्कर है और जहां जहां पर बीजेपी को के कद्दावर नेता को टिकट मिला ही नहीं वो सारे लोग आज JMM में चले गए,
इसलिए हमने कल का शो में बताया था कि स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, आम लोगों के लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि वो किसको बोले और किसको छोड़े, क्योंकि जिसको आप आज बोल रहे हो कल दूसरी पार्टी में आ गए, जिसके लिए आप फेवर में बोल रहे थे, जिसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, तो ये एक बड़ा समस्या होगा।